नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे, पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान माट के जरौली से। और आज हम आए हैं ग्राम बीतिया में कुछ डेयरी फार्म पर, जहां पर हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान श्री सत्यपाल सैनी जी, जिनके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट और डेयरी फार्मिंग के जो बारीकियां थी, जो विशेषताएं थी, वो बताई गई बच्चों को। और आज डेयरी फार्मिंग पर मैं लाकर वर्मी कंपोस्ट, डेयरी फार्मिंग की जो बारीकियां हैं कि सेट निर्माण कैसा होना चाहिए, जो उनकी खोर है वो कैसे होने चाहिए, पशुओं का जो चारा प्रबंधन हो वो कैसा होना चाहिए, कैसे एक बेरोजगार युवा अपने नया व्यवसाय करना चाहता है डेयरी का, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, और हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं कि कोई भी डेयरी फार्म बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी दिशा निर्देशन के कोई व्यक्ति खोलता है तो उसे हानि देखनी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रशिक्षण से हम जानेंगे कि सातवां दिन है और प्रशिक्षण में तीन प्रकार के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, और इसमें एक दिन का अनुभव देना पड़ता है इस क्षेत्र भ्रमण कराकर यूनिट विजिट का, ताकि व्यक्ति अपनी आंखों से देख सकें कि पशुओं की नस्लें कैसे होती हैं, रोग उपचार कैसे किया जाता है, जो गोबर इकट्ठा होता है उसका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट का काम कैसे कर सकते हैं हम लोग, जो लेबर मैनेजमेंट है कि जो हम लेबर लाते हैं उसका रुझान कैसा होना चाहिए, वो प्रशिक्षित होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बिजली की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं यहाँ पर कि हमारी निगरानी भी रखनी है। सफल उद्यमी के 15 गुणों पर चर्चा की गई थी प्रशिक्षण के दौरान, जिसमें बताया गया था कि निगरानी करना भी चाहिए। हम कितना बड़ा यूनिट अच्छा लगा लें लेकिन निगरानी ना हो तो हमारा यूनिट खराब हो सकता है। तो आज हमने मुकुल शर्मा जी से बात की, उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना खुद का रोजगार शुरू किया और उन्होंने बताया बच्चों को कि हम पार्ट टाइम के रूप में इस बिजनेस को ना लें, फुल टाइम के रूप में काम करें, और इसे करने के बाद 5-6 लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है। हम दूसरे से रोजगार मांगने वाले ना बने, रोजगार देने वाले बने। आज हम जानना चाहेंगे सत्यपाल सैनी जी से कि इस विजिट का प्रशिक्षण में क्या महत्व है। जैसा हमारा माट के जरौली में आप लोगों का 10 दिवसीय जो डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण चल रहा था, उसी प्रशिक्षण का ये एक हिस्सा हमारा होता है किसी भी एक अच्छी डेयरी का भ्रमण कराना। भ्रमण क्यों कराते हैं? आप लोगों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो टेक्निकल आधारित होता है, थ्योरी पे आधारित होता है, लेकिन जब तक किसी भी प्रशिक्षण का प्रैक्टिकली जानकारी नहीं लेंगे तब तक वो प्रशिक्षण अधूरा रह जाता है, ताकि प्रैक्टिकल में जो चीजें हैं वो सब निकल कर आ जाए कि इसकी कुछ छोटी छोटी तकनीकी अगर हम अपनाएं या जो समस्याएं हैं वो किसान ही बताएगा जो डेयरी फार्म कर रहा है, ताकि आप लोग उनसे बचते हुए जो छोटी छोटी कमियां में सुधार करते हुए अपने डेयरी फार्म को आप कैसे एक लाभकारी व्यवसाय बनाए। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया है कि हमारे शर्मा जी नौकरी छोड़ कर आए, 5 लोगों को नौकरी दी और आज इस व्यवसाय से बड़े खुश हैं। और चारा प्रबंधन कैसे करना है, आप गोबर से वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद किस तरह बनाना चाहिए, अगर गोबर से भी आप बायो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा एक व्यवसाय हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने इस डेयरी फार्म की बारीकियों को समझा, और समझ करके जो भी आप लोगों के मन में शंका थी, दुविधा थी, उसके बारे में सवाल जवाब आप शर्मा जी से आपने किए, उन सब का समाधान उनके द्वारा किया गया। आप हम समझते हैं कि आप लोग जब भी अपनी डेयरी व्यवसाय में जाएंगे तो इस विजिट से आपको बहुत लाभ मिलेगा, ये विजिट आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, और मैं मानता हूं कि आपका भी साथ जो शंका समाधान है वो हुआ होगा। और ये तो आप हमारे बीच में हैं, आप खुद बताएंगे कि हमें ये भ्रमण कैसा लगा। तो हमारे बीच में डॉक्टर राजीव जी भी हैं, जो एक PhD हैं, और वो स्वयं आप हमारे इस प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, वो भी स्वयं ये रुचि रख रहे हैं कि मैं भी PhD होने के बाद एक कोई ऐसा व्यवसाय करूं जिसमें अलग से मेरी एक पहचान हो, तो वो भी आज हमारे बीच में है। तो मैं राजीव जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी बताएं कि आप विजिट पाए तो आपको कैसा लगा। माननीय राजीव जी, विजिट पाने के पश्चात हमें व्यवहारिक चीजें जो थी हमारी अभी तक जो थ्योरेटिकल कोर्स था इंस्टीट्यूशन में हम वहां कर रहे थे, इसके बाद हमें व्यवहारिक रूप से चीजों को समझने का मौका मिला। और यहाँ के जो संचालक हैं डॉक्टर BM शर्मा जी जो थे, बालमुकुंद जी, उनसे मेरी अलग से भी बात हुई, क्या क्या हुआ, कहाँ से उन्होंने सब चीज़ें शुरू करी, कहाँ से प्रेरणा आई, अच्छी जगह से वो ट्रेंड हैं।
और उनका जो कार्य करने का एक तरीका है वो बहुत अच्छा है, वो स्वावलंबी भी हो रहे हैं, 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से 12 लोग उनके यहाँ काम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत बड़े लेवल पे वो जहाँ उनका दूध जा रहा है वो बता रहे थे मुझे कैसे कैसे परिवारों में, उसके अलावा कैसे वो नेटवर्किंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में उनकी क्या प्लान है। तो सभी प्रशिक्षकों को यहाँ पे उनका दृष्टिकोण निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी ये विजिट था, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे कोऑर्डिनेटर साहब और साथ में आए हमारे जो ट्रेनर हैं फैकल्टी पर्सन है सत्यपाल जी, आप सब लोगों का भी बहुत आभार, एक अच्छी जगह है हम सब लोग लेके आए, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम पंकज कुमार और स्वरोजगार ग्रामीण केंद्र माट की जरोली से हम लोग एक प्रकार से प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं डेयरी और वर्मी कंपोस्ट का। और आज हम पहुंचे थे बीतिया में शर्मा जी की डेयरी पर। पहुंचने पर गायों की कितनी नस्लें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली, विभिन्न प्रकार की नस्लें यहाँ पर है, उनका चारा प्रबंधन, उनका रख रखाव, वो जो टीकाकरण उनका होना चाहिए समय समय पर उसके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं देने का काम यहाँ के जो डेयरी संचालक हैं उन्होंने किया। और साथ में जो अलग से पशु बंधे हुए हैं उनके जो बच्चे हैं उनको किस तरह से उनसे अलग रखा जाए, उनका वैक्सीनेशन किस प्रकार से किया जाए, और गोबर और गोबर के जो कहीं ना कहीं उसको अलग से किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाए एक प्रकार से वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, ये सारी बारीकी जानकारी यहाँ कहीं ना कहीं मिली। और मेरा ये मानना है क्योंकि हमें हमारे संचालक महोदय हों या हमारे ट्रेनर हों उन्होंने चीज़ें बखूबी बताई कि ये व्यवहारिक ज्ञान से ज़रूरी है प्रयोगात्मक, और ये जो प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर पाया एक प्रकार से उसको देखने पर कहीं ना कहीं हमारा उत्साहवर्धन हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करते हैं कि इन्हीं जानकारियों को जो हम यहाँ से लेकर जाएंगे वो भविष्य में हमारे लिए कामयाब सिद्ध होगी। तो जो बेरोजगार युवा हैं हमारे नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए क्या संदेश है कि अगर वो इस व्यवसाय से जुड़े तो लाभ होगा या नहीं होगा? सीधा सा है कि अगर हम लोग ये सोच कर चलेंगे कि कहीं ना कहीं कि हर व्यक्ति नौकरी की तरफ भागे जा रहा है जैसे, तो हमारे पास संसाधनों से परिपूर्ण हमारा देश है, हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। अगर प्रकृति के संसाधनों को कहीं ना कहीं सीमितता के तौर पर हम उनको प्रयोग दैनिक जीवन में करने लगे, जितने भी हमारे पशु हैं, खेत से संबंधित फसलें हैं, वर्मी कंपोस्ट के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं कि जिनके आधार पर हम बहुत बेहतर ढंग से अपने जीवन में एक आर्थिक ऊंचाई तक छू सकते हैं और समाज और राष्ट्र को कहीं ना कहीं कुछ दे सकते हैं, और ये इस राष्ट्र में उन्नति के लिए हमारी भागीदारी होनी भी चाहिए। तो प्रशिक्षण से जो आपने लिया, जैसे आप पशुपालन पहले से ही करते हो, प्रशिक्षण में क्या चीज़ नहीं लगी जो आप पहले पशुपालन आप 10 साल घरों जब से आप जन्म लिया होगा आपने होश संभाली होगी, डेयरी फार्मिंग है, पशुपालन करते होंगे, इस 10 दिन के प्रशिक्षण से आपको क्या चीज़ अलग चीज़ पता चला? अलग चीज़ें ये थी कि हमको ये पता नहीं था कि 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो टीकाकरण होता है उनके बारे में जानकारी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे रोग थे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, जैसे कि चिचड़ी का निस्तारण कैसे किया जाए, उसका निवारण कैसे किया जाए, उसको बखूबी तरीके से समझाने का काम कहीं ना कहीं हमें प्रशिक्षण केंद्र के अंदर मिला। और साथ में चारा प्रबंधन का और उसका विकल्प हमको अब तक नहीं पता था, जो हमारे घर में वेस्टी चीज़ें थी हम उनको ऐसे ही बेकार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसका भी आधार बनाकर हमें एक चीज़ मिली कि कोई चीज़ जो हमारे लिए वेस्ट है उसको हम कैसे अपने जीवन में और उस बिजनेस में कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक जी। और सबसे ज़रूरी जो बात है किसी भी कार्य को करने के लिए वो ज़रूरी होती है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ में डेवलपमेंट स्किल्स जो हमारे अंदर होने चाहिए, एक व्यवहारिक ज्ञान। एक कोई भी उद्यमी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो कार्य को एक प्रकार से समय के आधार पर उसको बांट करना चले, और उसके अंदर वो गुण होने चाहिए जो उद्यमी को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करते हैं, जैसे उसमें स्वप्रेरणा, कहीं ना कहीं जब वो समस्या में घिरा हो तो उसको सही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं जो उसको दैनिक जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, आगे बढ़ा सकती हैं या उन समस्याओं से दूर कर सकती हैं, उसको उसके आधार पर, जैसे हमें बैंकिंग योजनाओं के बारे में पता लगा, पंजाब नेशनल बैंक की कौन कौन सी योजनाएं हैं, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो, और एक प्रकार से PMJY जो होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसके हमें आज तक पता नहीं था कि एक आदमी के 436 रुपये अभी ये शुरू हुआ है, हालांकि 436 रुपये वार्षिक एक प्रीमियम के तौर पर किस्त कटती है, और उसके बाद व्यक्ति की सामान्य हालात में भी यदि मृत्यु होती है तो उसके जो परिवार हैं, जो नॉमिनी है, उसको कहीं ना कहीं 2 लाख रुपये का उसको लाभान्वित के तौर पर वो परिवार उससे लाभान्वित होता है। तो ये ऐसी जानकारियाँ थी, सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि यहाँ से ले जाएंगे क्या, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारा हौसला जो हमें मिला, और डेवलपमेंट जो स्किल्स थे जो छिपे हुए थे जो हर आदमी से दूर रहते हैं, प्रशिक्षण यही तो सिखाता है कि आपकी जो
पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। बहुत सारी खामियां अपने अंदर होती हैं, उनको दूर करके सहजता के साथ में, अनुशासन और धैर्य के साथ में, और कहीं ना कहीं अपने वो जो हमारे अंदर एक अलग अहम की वो होती है उसको दूर करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम उन स्किल्स को जो हमें सिखाए गए उस व्यवहार को दैनिक जीवन में लाएं, और आशा करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हमारी सामूहिक भागीदारी के साथ हम समाज को भी बदलने की ताकत रखेंगे। लेकिन ये प्रयास तभी सफल हो सकता है जब हम उसको सामूहिक रूप से करें, व्यक्तिगत भावना के आधार पर हम एक परिवार को नहीं बदल सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।